भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच में यशस्वी जायसवाल का आया तूफान, ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी से मैदान पर मचाया कहर। इंग्लैंड के घातक से घातक विस्फोटक गेंदबाजों की उड़ा करके रख दी धज्जियां। इंग्लैंड के खिलाफ इतनी घातक विस्फोटक बल्लेबाजी की कि अच्छे से अच्छे इंग्लैंड के गेंदबाज इनके सामने पानी भरते हुए नजर आए। इंग्लैंड के घातक से घातक विस्फोटक गेंदबाज बार बार यशस्वी जायसवाल का बल्ला चेक करने के लिए आ रहे थे कि आखिरकार यशस्वी जायसवाल के बल्ले में ऐसा क्या है जो बॉल छूते हुए बाउंड्री लाइन के बाहर जाती है। रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल और यहाँ पर घातक विस्फोटक बल्लेबाज शुभमन गिल का पूरा लाइव हाईलाइट रोमांचक वीडियो दिखाएंगे आप लोगों को मुकाबला। तो बस इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच जब टॉस उछाला गया तो टॉस की बाजी इंग्लैंड के कप्तान ने जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी, जहां पर बाद में भारतीय टीम बल्लेबाजी करने के लिए आई, जहां पर भारतीय टीम की तरफ से घातक विस्फोटक बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल सबसे पहले ओपनिंग में मैदान में उतरे। यहां पर रोहित शर्मा यशस्वी जायसवाल ने ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी से मैदान पर कहर बरसा दिया। यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा के ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर ऐसा कहर बरसाया कि आज से 90 साल पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। रोहित शर्मा ने पहले ही बॉल पर पहले ओवर के तगड़ा शॉट खेलकर छक्का लगा दिया और यूं ही नहीं ये ताबड़तोड़ विस्फोटक तरीके से मैदान पर डटकर बल्लेबाजी करते रहे और इंग्लैंड के गेंदबाजों का डटकर सामना करते रहे। रोहित शर्मा की ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर कहर बरसा रही थी तो एक तरफ यशस्वी जायसवाल की बल्लेबाजी ने तो ऐसा कहर बरसा दिया कि इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा कर रख दी। यशस्वी जायसवाल का बल्ला इस कदर चल रहा था ये मानो कि तूफान आ गया। आप सभी को बता दें कि यहाँ पर रोहित शर्मा तो फिलहाल 5वें ओवर की 4थी बॉल पर कैच आउट का सामना कर बैठे और 24 रन बनाकर के पवेलियन का रास्ता देख गए, जहां पर यशस्वी जायसवाल अभी खूंखार विस्फोटक तरीके से मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे और इंग्लैंड के गेंदबाजों को जम करके दौड़े। 8वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार यशस्वी जायसवाल ने 6 छक्के जड़ दिए, जहां पर युवराज सिंह का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया और यशस्वी जायसवाल का साथ देने के लिए मैदान पर घातक विस्फोटक बल्लेबाज शुभमन गिल आ गए थे। शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल ने ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी से मैदान पर ऐसा कहर बरसा दिया कि शुभमन गिल भी लगभग 90 ओवर में 2 छक्के और 2 चौके लगातार जड़ दिए। इनकी दोनों बल्लेबाजी घमासान विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर चलती रही और ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी से मैदान पर कहर बरसा दिया। जब रोहित शर्मा आउट हो गए 24 रन बनाने के बाद तो यशस्वी जायसवाल ने पारी को इस तरीके से संभाला। यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल ने ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर महेंद्र सिंह धोनी, क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर खेल रहे हो। यशस्वी जायसवाल की बल्लेबाजी देखकर यहाँ पर हर कोई चौंक गया क्योंकि 12वें ओवर में यशस्वी जायसवाल ने फिर 3 छक्के और 2 चौके लगातार जड़ दिए। यशस्वी जायसवाल इस तरीके से खूंखार विस्फोटक तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि मैदान पर तूफान आ गया हो। यशस्वी जायसवाल शुभमन गिल की बल्लेबाजी देखकर यहाँ पर हर कोई चौंक गया। शुभमन गिल भी कहाँ पीछे रह जाने वाले हैं, उन्होंने भी ताबड़तोड़ विस्फोटक तरीके से मैदान पर डटकर बल्लेबाजी की और इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर खेद धोया। शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल ताबड़तोड़ विस्फोटक तरीके से मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे और ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर तूफान आ गया हो। इनकी बल्लेबाजी देखकर यहाँ पर हर कोई हैरान था, अच्छे अच्छे गेंदबाजों के परखच्चे उड़ रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाजों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा है। 21 साल का नौजवान लड़का इतनी ताबड़तोड़ विस्फोटक तरीके से मैदान पर बल्लेबाजी करता है, ऐसा लग रहा था कि तूफान आ गया हो। आप सभी को बता दें कि भारतीय टीम को एक और काफी बड़ा झटका लग गया 17वें ओवर की 6ठी बॉल पर, जब यहाँ पर शुभमन गिल भी आउट हो गए तो यहाँ पर आप सभी को बता दें कि इनका साथ देने के लिए यशस्वी जायसवाल का साथ देने के लिए मैदान पर घातक विस्फोटक बल्लेबाज श्रेयस अय्यर आए, जहां पर श्रेयस अय्यर ने ताबड़तोड़ विस्फोटक तरीके से मैदान पर बल्लेबाजी करना शुरू किया, लेकिन श्रेयस अय्यर उतना तेज बल्लेबाजी नहीं कर पाए और महज 21 रन बनाकर के पवेलियन का रास्ता देख गए। उसके बाद विकेट कीपर केएल राहुल मैदान पर आए, यहां पर उन्होंने यशस्वी जायसवाल का बखूबी साथ दिया। विकेट कीपर केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल ताबड़तोड़ विस्फोटक तरीके से मैदान पर डटकर बल्लेबाजी करने लगे और इंग्लैंड के गेंदबाजों को जम करके धोने लगे। विकेट कीपर केएल राहुल यशस्वी जायसवाल की बल्लेबाजी मैदान पर खूब कहर बरसा रही थी और ताबड़तोड़ विस्फोटक तरीके से मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे। यशस्वी जायसवाल छक्के पर छक्के चौके पर चौके जड़ रहे थे और यहाँ पर विकेट कीपर केएल राहुल भी ताबड़तोड़ विस्फोटक तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन विकेट कीपर केएल राहुल 42 रन बनाने के बाद आउट हो गए। विकेट कीपर केएल राहुल जैसे ही आउट हुए मैदान पर घातक विस्फोटक बल्लेबाजी करने के लिए और यशस्वी जायसवाल का साथ देने के लिए रविंद्र जडेजा आ गए। रविंद्र जडेजा काफी खूंखार विस्फोटक गेंदबाज के साथ साथ बल्लेबाज भी है और ऑलराउंडर के नाम से जाना जाता है। रविंद्र जडेजा की कातिलाना विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर कहर बरसा दिया और ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी से इतिहास रच दिया। आप सभी को बता दें कि विकेट कीपर केएल राहुल जब आउट हो गए, श्रेयस अय्यर आउट हो गए, शुभमन गिल आउट हो गए, रोहित शर्मा आउट हो गए तो रविंद्र जडेजा ने यशस्वी जायसवाल का बखूबी साथ दिया और ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी से मैदान कहर पर कहर बरसा दिया। रविंद्र जडेजा की ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी ने कहर बरसा दिया और यहाँ पर 25वें ओवर में रविंद्र जडेजा ने 6 गेंदों पर 6 छक्के लगा दिए, जहां पर फिर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। रविंद्र जडेजा और यशस्वी जायसवाल ताबड़तोड़ विस्फोटक तरीके से मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे, इंग्लैंड के गेंदबाजों का डटकर सामना कर रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाजों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि उनके हाथ से पूरी तरीके से मुकाबला निकल चुका था, लेकिन रविंद्र जडेजा घातलाना विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन रविंद्र जडेजा भी 61 रन बना दिए, जहां पर रविंद्र जडेजा भी कैच आउट का सामना कर बैठे। उसके बाद जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और आप सभी को बताते कि घातक से घातक विस्फोटक बल्लेबाज आज इन्होंने 14-14 8 रनों की नाबाद पारी खेली, जहां पर पहला टेस्ट मुकाबला भारतीय टीम ने यशस्वी जायसवाल की वजह से जीत लिया। चैनल को सब्सक्राइब। जय हिंद, धन्यवाद।